देश को स्वच्छ बनाने के लिए लगातार केंद्र से लेकर प्रदेश की योगी सरकार प्रयास कर रही है, पर आलम यह है कि प्रदेश की राजधानी में ही आपको कूड़े के ढेर जगह जगह देखने को मिल जाएंगे। यहां बीजेपी राजधानी के नगर निगम पर बड़े लंबे समय से कब्जा करके बैठी है, लेकिन इसके बावजूद नेशनल हाईवे पर कूड़े का अंबार देखा जा रहा है। कुछ यही नजारा लखनऊ के सीतापुर रोड स्थित खदरा मोड़ पर देखने को मिलेगा, जहां नगर पालिका की लापरवाही के चलते सड़क पर कूड़े का अंबार लगा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन को इसकी कोई परवाह नहीं है। स्थानीयों का आरोप है कि कूड़े के अंबार से निकलने वाले दुर्गंध ने उनका जीना दुश्वार कर दिया है। ये घर मेरा पास है और ये हम लोग कई साल से पहले ये अस्थाई रूप से कूड़ा पड़ने लगा। पहले कूड़ा नहीं पड़ता था। उस समय मेयर थे आपके मिस्टर दिनेश शर्मा, उनको भी इन्फॉर्म किया, उनसे भी रिटर्न ऑर्डर्स मिल गए। उस समय नगर आयुक्त थे, उनसे भी मिले, जो जोनल अधिकारी थे उस समय उनसे भी मिले, सबसे मिल चुके हैं हम लोग, पर ये सफाई नहीं होती है और ये रोज़ कूड़ा पड़ता है। सारे जो है मोहल्ले वाले भी डालने लगे हैं क्योंकि नगर निगम के लोग डाल रहे हैं, और इसके बगल में एक शौचालय बना दिया गया। शौचालय बनाते समय ये कहा गया अब यहाँ सफाई रहेगी, और शौचालय का उतना उपयोग भी नहीं हो रहा है बल्कि कूड़ा हमेशा पड़ रहा है। अब ये बताइए, मेरा घर मेन रोड पे है, बारिश का पानी जाएगा वो गंदा पानी जाता है, पर कोई सुनवाई नहीं है। और इस समय की जो वर्तमान आपके मेयर हैं मिसेस संयुक्ता भाटिया, उन्होंने भी देखा है, उनके पास भी कंप्लेंट है, लेटर। लगातार केंद्र की सरकार और यूं कहें कि योगी सरकार भी स्वच्छता पर ध्यान दे रही है, लेकिन हम लोग सीतापुर रोड पे खदम रसूल पे खड़े हैं और देख सकते हैं कि ये कूड़ा जो है बीच सड़क पर पड़ा है। एक हाईवे है ये सीतापुर रोड, इसके बावजूद भी यहाँ पर देख सकते हैं किस गंदगी का जो अंबार है वो लगातार यहाँ पड़ा हुआ है। हर बार कूड़ा उठाया जाता है, लेकिन अस्थायी व्यवस्था है यहाँ पर जो है, कहीं भी हर पूरे गली मोहल्ले के तमाम लोग जो है यहाँ पर आकर कूड़ा फेंकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि इस पूरे कूड़े फेंकने के अंदर ये परिवार जिसका घर यहाँ मेन रोड पर है, ये बुजुर्ग परिवार यहाँ देख सकते हैं, लोग लगातार यहाँ कई बार वो कंप्लेंट भी कर चुके हैं। डिप्टी सीएम जो दिनेश शर्मा जी हैं, उससे पहले मेयर थे, उनके पास भी कर चुके हैं, वर्तमान मेयर के पास भी कर चुके हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होती। हालांकि रिश्तेदारों ने आना छोड़ दिया है इस गंदगी वजह से, कभी भी लगा जब भी आते हैं तो गंदगी, बदबू और तमाम इन परेशानियों से इनको सामना करना पड़ता है। इस पूरे परिवार की गुहार लगातार ये लोग लगा चुके हैं, मुख्यमंत्री तक लगा चुके हैं, लेकिन इस कूड़े का परमानेंट या यूं कहें कि निस्तारण करने के लिए विभाग लगातार सिर्फ बातें करता है, लेकिन विभाग ने अभी तक इसका कोई भी निस्तारण नहीं किया है। और साफ कह रहे हैं ऐसी कई बीमारियां जन्म लेती हैं, और विभाग भले ही बोलता है कि स्वच्छता हो, लेकिन पूरे नगर निगम की अगर बात की जाए तो नगर निगम शायद इस स्वच्छता अभियान को यहाँ पर चरितार्थ कर रहा है कि यहाँ पर जो सफाई और स्वच्छता का मिशन लेके प्रधानमंत्री चल रहे थे, वो लखनऊ के नगर निगम के इस सीतापुर रोड क्षेत्र में कहीं ना कहीं बेईमानी सा लग रहा है। कैमरा मैन मानिक चावला के साथ रामनिधि भट्ट, लाइव टुडे लखनऊ।